है असम्बलियाँ इंशाल्लाह ताला डिसॉल्व होंगी। हम अपना ये पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं, 186 बंदे पूरे करेंगे, इस वक्त 187 है हमारे पास इंशाल्लाह स्पीकर के अलावा। असेंबलियां हर सूरत तहलील होंगी, जल्द पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं एतमाद का वोट लेने के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। कौमी असेंबली में इस्तीफों के लिए बुध को इजलास बुलाया है। इमरान खान ने मीडिया स्ट्रेटेजी कमेटी का इजलास आज फिर तलब कर लिया। वजीर आला के एतमाद के वोट के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। वजीर आला पंजाब से मुलाकात करने वाली कमेटी इमरान खान को ब्रीफिंग देगी। वजीर आला मोनिस इलाही से जेरे बहस मामला पर भी आगाह किया जाएगा। इमरान खान की गलतियों का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं, सियासी जंग सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमने सियासी जंग इज्जत और वकार के साथ लड़ी है, मुखालिफीन ने सियासी इंतकाम की आखिरी हदें भी पार कर दी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अहल खाना और वर्कर्स के साथ जुल्म हुआ, हमने सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, मुल्क को मखदूश हालात से निकालने के लिए आए। अयाज सादिक बोले इनके नंबर पूरे हैं तो एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते, आम इंतखाबात आइंदा साल अगस्त के बाद होंगे। एतबाग की वोट की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद असेंबली तहलील की जाएगी। आवाम से डरकर तो ये लोग भाग रहे हैं, इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। फारूक हबीब कहते हैं जरदारी माफिया लाहौर के निजी होटल्स में डेरे लगाकर बैठा है, जिन लोगों ने आईन तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यास्मीन राशिद बोली इमरान खान के साथ पूरी आवाम है, वो वक्त दूर नहीं जब हम हकीकी आजादी लेकर रहेंगे। हसनैन बहादुर दरेशक का इस्तीफा मंजूर नहीं किया, वो काबीना के काबिल बुजरा में से एक है, मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे मोने सिराही। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं हसनैन बहादुर दरेशक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, बतौर सूबाई वजीर जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। एक हफ्ते कबल पंजाब काबीना इजलास में वजीर आला से तलखी के बाद हसनैन बहादुर दरेशक ने इस्तीफा दे दिया था। तमाम नाअहल एक अहल को नाअहल कराने में लगे हैं, अवाम में इमरान के फैसलों को पजीराई और पीडीएम को रुसवाई मिलती है। शेख रशीद कटवे लिखा जब अवामी राय आम्मा का एहतराम नहीं तो जमहूरियत नहीं आमरियत होती है। अदालत में केस गवर्नर के नोटिफिकेशन का था, असेंबली तोड़ने जोड़ने का नहीं, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, लेकिन वुज़रा की तादाद 77 हो गई, इनमें से 22 बेमहकमा है, 50 करोड़ रुपए की करप्शन हलाल और छोटी चोरी हराम हो गई, मेंबर्स की मंडी लगी है। तहरीक इंसाफ की अवामी राबता मुहिम जारी, शहर शहर रैलियां, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में आवाम सड़कों पर, काफिलों में भी खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। आम दुश्मनों की एक और कोशिश नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस का जोब में खुफिया इतला पर ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, सिपाही हक नवाज शहीद और दो जवान जख्मी हुए। सरहद पार से दहशतगर्दों के सहूलतकारों की जानिब से भी फायरिंग की गई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन पाक अफगान सरहद पर किया गया, मुसद्दका इतलाक पर मुसलसल निगरानी करके दहशतगर्दों को रोका गया। दहशतगर्द KP में दाखिल होकर शहरियों और फोर्सेज को निशाना बनाना चाहते थे, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अमरीका पाक अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए फंड्स फराहम करेगा, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू, कहा दौरा अमरीका में दो सेनेटर्स ने बताया कि 2023 के बजट में पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी में मदद करने के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं।
अमरीका सरहद पार अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने के लिए इस्लामाबाद के साथ मुकम्मल ताबुन करेगा ताकि बॉर्डर पर सिक्योरिटी को मजीद फूल प्रूफ बनाया जा सके। बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मजार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीर। मेहमान खसूसी मेजर जनरल उमर नसीम ने मजार कायद पर फूल रखे और फातिहा खानी की। जियारत रेजिडेंसी में परचम कुशाई की तकरीब, अस्करी हुकाम और सूबाई वजरा की तकरीब में शिरकत। पाक फजाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने मिली नगमा जारी कर दिया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। गिरजाघरों पर चराग़ां, इबादत और दुआया तकरीबात। रोमन कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर वेटिकन में मरकजी तकरीब। पोप फ्रांसिस ने अमन का पैगाम दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाय पैदाइश बैतुल्लाह में भी खसूसी तकरीब हुई। यूक्रेनी बाशिंदे भी मगरिब के साथ क्रिसमस मनाने में मसरूफ।